बहुत से लोग सरसों की खेती करते हैं क्योंकि इसे हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है और बहुत अधिक सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती। साथ ही इसकी खेती उपज एवं आमदनी की दृष्टि से लाभदायक भी है। पहले से भी सरसों का खेती कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, और रबी लगाते हैं उसी समय सरसों लगाया जाता है, और सरसों में थोड़ा पानी सिंचाई कम लगता है, सरसों हम लोग को बहुत फायदा मिलता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अच्छे बीज का चयन कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ बीज के उपचार के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बीज को सुसुम पानी में डालेंगे, उसके बाद डालने से के बाद जो मतलब पूरा हाथ से मिलाएंगे और जो ऊपर आ जाएगा वो वाला बीज को हम लोग मतलब हटा देंगे, और अच्छे वाला बीज को हम लोग सूत्री बोरा में मतलब निकाल के और रख देंगे और उसको हम फैला देंगे। और उसको थोड़ा देरी के लिए हम लोग पानी को सूखने देंगे। आइए अब हम दीदियों से बीज उपचार की विधि सीखते हैं। यदि हम 20 डिसमिल में खेती लगा रहे हैं तो हमें 50 ग्राम बीज चाहिए, गुड़ 100 ग्राम, 1 लीटर पानी और आधा से 1 ग्राम PSB और एजेक्टोबैक्टर और टाइकोड्रामा चाहिए। और अब हम लोग बीजा अमृत उसमें डालेंगे और बीजा अमृत डाल के पूरा मतलब पूरा मिला देंगे। सौ ग्राम गुड़ लेंगे, उसके बाद 1 लीटर पानी लेंगे और उसमें मतलब सुसुम कर देंगे और उसमें गुड़ पानी डाल के पूरा घोल मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग बीजा को डालेंगे। मिलाने के बाद हम लोग आधा से 1 ग्राम PSB एजेक्टोबैक्टर डालेंगे जो एक चुटकी होगा, और उसके बाद लास्ट में हम लोग टाइकोड्रामा डाल के पूरे दवा को मतलब अच्छा से मिलाएंगे जो हमारा सब पूरे बीजा में दवा चिपक जाएगा। उपचार होने के बाद हम पोटली बनाएंगे और पोटली बना के हम उसे 12 से 18 घंटा तक उसे हम छोड़ देंगे ताकि वो अंकुर हो जाएगा। बीज उपचार करते हैं कि मतलब फसल में बीमारी ना लगे, और बीमारी नहीं लगने के चलते हम लोग का फसल का उपज ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग बीज उपचार करते हैं। आने वाले वीडियो में हम श्री विधि से सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी एवं बीज की रोपाई के बारे में जानेंगे। बीजा अमृत द्वारा बीज उपचार करने से फसल में रोग नहीं लगता और पौधों का विकास भी अच्छे से होता है।